फ्रेंड्स, हेमा की रसोई में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चटपटा नाश्ता बनाना सिखाऊंगी, इडली रोल, जो आपने कभी शायद सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, बट ये मेरा अपना है। मैं कुछ नया बनाती रहती हूँ नाश्ते में, बच्चों को पसंद नहीं आता, मटेरियल तो वही रहता है बट उसका शेप और उसका बनाने का तरीका थोड़ा सा मैं अलग कर देती हूँ। तो आज मैं इडली रोल जो बनाऊंगी वो ग्लास में बनाऊंगी सूजी और दही से। चलिए तो मैं बनाना शुरू करती हूँ और फटाफट आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये स्टफिंग के लिए 3-4 आलू लिए, बड़े बड़े, इनको उबाल के मैंने छील के ठंडा करके रख लिए हैं। थोड़ा सा मुझे टमाटर चाहिए, तो मैंने टमाटर की 2 टमाटर की प्यूरी बना के रख ली है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस हो जाते हैं। ये अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, थोड़ा सा हरी धनिया, बहुत सारा धनिया, थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमको, काट के मैंने धो के रख लिया है इसको। और मीठा नीम तो चाहिए ही है, क्योंकि इडली रोल बना रहे हैं तो मीठा नीम के बिना तो इडली रोल में मज़ा ही नहीं आएगा। और थोड़ा सा मुझे इनम पाउडर चाहिए और थोड़ी सी राई चाहिए, और उसके बाद भी ये सूजी और दही। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 1 कटोरी सूजी का बैटर बना के रख देती हूँ। जब तक हमारी सूजी का बैटर बनेगा तब तक मैं फ्राइंग की तैयारी कर लूँगी रोल की, है ना। सबसे पहले मैं सूजी की तैयारी करती हूँ। इसमें मैं दही से इसको गूंथ लूँगी। देखिए ये एकदम फ्रेश दही है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये देखिए ये सूजी और दही का बैटर है, इसमें हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ नमक डालूंगी मैं इसमें। ये देखिए नमक स्वाद के अनुसार, टेस्ट से, तो अभी आधा चम्मच नमक इसमें आराम से आ जाएगा। ये देखिए ये भी थोड़ा गाढ़ी है, थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी इसमें। मुझे बैटर ज्यादा ना पतला चाहिए ना थोड़ा गाढ़ा चाहिए, लेकिन सूजी है जो कि थोड़ी ये फूलेगी, तो मैं थोड़ा सा दही इसमें और डाल देती हूँ और इसको मैं रेस्ट के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं अपनी स्टफिंग की तैयारी करती हूँ, जो मैंने इडली रोल के लिए तैयारी करनी है तो मैं स्टफिंग की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैं गैस ऑन करती हूँ, ऑयल डालती हूँ, 2 से 3 चम्मच मुझे ऑयल डालना है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है मुझे। तेल हो रहा है तब तक मैं फटाफट अपने आलू किस लेती हूँ, क्योंकि आलू में ज्यादा लम्स ना हो तो मैं फटाफट आलू किस लेती हूँ अपने। थोड़ी सी मैं इसमें राई डालूंगी और हमारा जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बना है ये मैं इसमें इसी में डाल दूंगी, जो हमारा स्टफिंग है उसी में डाल दूंगी मैं ये। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जब अच्छे से भुन जाएगा तब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, बट मैंने गाजर नहीं डाली है। ये देखिएगा, ये प्यूरी बना के रखने का एक तो कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसकी प्यूरी बना के रखी थी, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इसी में मैं स्टफिंग के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालूंगी, करीब 1/2 चम्मच, क्योंकि हमारे 3 आलू हैं तो मेरा 1/2 चम्मच नमक आराम से आ जाएगा। ये मैं इसमें गाजर डाल देती हूँ, आलू का पिसा हुआ आलू डाल देती हूँ, और इसको हम आपको जब तक भूनना है जब तक ये हमारा जो ये है ये ड्राई ना हो जाए, क्योंकि हमको एकदम ड्राई चाहिए। इसी में हम थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालिए, आप चाहें तो नहीं भी डालेंगे तो भी ठीक है, बट मैंने हल्दी डाली क्योंकि हल्दी से कलर का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है हल्दी से। अब इसको मैं थोड़ी देर भूनने दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी गीला है, मुझे एकदम ड्राई चाहिए रोल में भरने के लिए। अभी मैं इसको गैस पर थोड़ी देर ऑन रहने देती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करने रखती हूँ, क्योंकि मुझे रोल बनाने, तो मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जब तक कि इन द मीन टाइम मैं अपना भगोना चढ़ा देती हूँ जिसमें मुझे रोल बनाना है, जिसमें मुझे इडली बनाना है। मैं पानी जब तक मेरा गर्म होगा तब तक ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा सा हमको हरा धनिया डालना है, क्योंकि हरा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मैंने धो के काट के रखी थी, हरा धनिया का सबसे ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल ठंडे हो गए, अब इसके मैं रोल बना के रख लेती हूँ। ये देखिए हमको गिलास के हिसाब से रोल बना के रखना है, ऐसे मैं गिलास के हिसाब से रोल बना के रख लूंगी। ये देखिए 3 गिलास मेरे तैयार हुए हैं, तो मैं 3 गिलास के 3 रोल बना के रख लेती हूँ। ये देखिए ये एकदम हमारे जो आलू है ना एकदम ड्राई होना चाहिए, तब नहीं तो फिर ये मिक्स हो जाएगा, अगर गीला होगा तो थोड़ा सा भी तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको हमको ड्राई चाहिए। ये देखिए
यहाँ पर मेरा पानी भी उबल रहा है, अभी मैं देखती हूँ इडली का बैटर मेरा रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए कितने सुंदर रोल बने हैं, मैंने गिलास के हिसाब से रोल बना लिए, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, जितना हमारा गिलास का है उतना ही रोल बनाए मैंने। अच्छे से कर दी है, मेरा इडली का बैटर रेडी हुआ कि नहीं हुआ ये देखिए, इडली का बैटर हमारा रेडी है एकदम। ये देखिए देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया है। इसमें मैं अब इनो डालूंगी, आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच मतलब आधा पैकेट। ये देखिए, और थोड़ा सा पानी लूंगी, बहुत ही ना के बराबर पानी देना मुझे, क्योंकि मैंने इनो डाला है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी देना मुझे बस। ये देखिए जिससे हमारे बबल्स जो हैं अच्छे से उठ जाएंगे। देखिए ये देखिए, अब हमारे ये पानी भी उबल रहा है, ये देखिए हमारा पानी अच्छे से उबल रहा है, देखिए काफी अच्छे से उबल रहा है पानी। अब मैं ये ग्लास में मैंने ऑयलिंग अच्छे से कर दी है, देखिए अच्छे से पूरा ऑयलिंग जो है ना आप अच्छे से करिए। ये देखिए तीनों ग्लासों में मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। अब मैं इसमें अपना थोड़ा थोड़ा बैटर डालूंगी, देखिए उसमें अपना मैं ये जो रोल है मेरा ये एकदम बीच में डाल दूंगी, देखिए, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बैटर डाल दूंगी इसको ढकने के लिए, देखिए बस, ठीक है ना। अब इसके अंदर फिर मैं डालूंगी अपना बैटर और ये अपना रोल जो है वो मैं अच्छे से डाल दूंगी इसमें और उसको फिर से कवर्ड कर दूंगी। गरम है, आप कुछ कपड़ा पकड़ के रखिएगा। ये देखिए तीनों ग्लास मैंने रख दी हैं, सीधे रखना एकदम से बिल्कुल, है ना। ये देखिए अब हम इसको ढक देंगे, इसको करीब हमको 20 मिनट के लिए ढकना है। जब तक मेरा इडली रोल हो रहा है जब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। ये धनिया लिया, हरी धनिया और हरी मिर्ची और लहसुन की 10-12 कलियाँ। ये देखिए ये 10-12 लहसुन की कलियाँ ले ली मैंने। अभी इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, थोड़ी सी मैंने केरी ले ली, अभी ताज़ी ताज़ी केरी है मेरे पेड़ की लगी हुई, तो मैंने ताज़ी के और ये धनिया डाल दूँगी मैं इसको। फिर मैं आपको बताऊँगी इसकी चटनी जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट बनाऊँगी आज। इसमें अभी हम नमक नहीं डालेंगे और ना ही हम इसमें पानी डालेंगे, हम इसको बिना पानी के भी पीसेंगे। हमारी धनिया मिर्ची पिस गई है, इसको हम क्या करेंगे पूरे पूरे चटनी में ना इसको हम बना के रख लेंगे, पूरी चटनी में नहीं डालेंगे कुछ नमक, ये हम थोड़ा सा बना के रख लेंगे, जब चाहें तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए क्योंकि ये तो बहुत सारी हो जाएगी, नहीं तो इसका हम क्यूब बना के भी फ्रिज में डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, ये देखिए नमक, और मैंने ये पानी निकाल के रखा हुआ दही, अब मैं इसमें ये दही शिफ्ट कर दूंगी, तो ये चटनी का स्वाद जो है ना ये इतना बढ़ जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा जब, ये हमारी चटनी का ट्विस्ट। ये देखिए अब मैं इसको फटाफट पीस लूंगी, और जो मैंने बाकी का है उसको मैं फ्रिज में क्यूब बना के रख दूंगी, या ऐसे भी रख सकते हैं जब हमारा चटनी खाने का मन है तो एकदम बिल्कुल फ्रेश चटनी का स्वाद आएगा। आप चाहें तो इस चटनी में थोड़ा सा नारियल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नारियल नहीं। देखिए हमारी चटनी का कलर कितना सुंदर आया है, ये देखिए कितना सुंदर चटनी का कलर आया है, ये देखिए इतना प्यारा चटनी का कलर आया है कि एकदम वाओ। जब तक मेरे 20 मिनट होने वाले हैं मैं देखती हूँ मेरे रोल हुए हैं नहीं हुए हैं अभी। ये देखिए हमारे इडली रोल जो है मुझे लग रहा हो गए हैं। अब मैं इसको देखने का तरीका भी बताती हूँ आपको, हमको बिल्कुल साइड से देखना है, देखिए ऐसे, ये बहुत गर्म है, ये देखिए साइड से देखना है, हाँ ये हो गया, देखिए चक्कू बिल्कुल एकदम हो गया है। अब हम इसको निकाल के रख देते हैं, लेकिन इसको हम आफ्टर 10 मिनट इसको हम निकालेंगे। अभी तो मैं इसको टॉवल से पकड़ कर हटा देती हूँ क्योंकि इसमें नहीं रख पाएंगे, टॉवल से पकड़ के हटा देती हूँ क्योंकि हमारे ग्लास ही ठंडे हो रहे हैं रोल के, तब तक मैं इसके लिए फ्राई का बना, वैसे तो हम इसको नहीं भी फ्राई करते तो भी चल जाता है, बट मैं इसको फ्राई करके दिखाऊंगी आपको क्योंकि ये फ्राई कर
पैन हमारा गर्म हो जाए, इसके बाद मैं इसमें ऑयल ऑलिंग करूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा राई डाल दूंगी, ये मैंने काट के रखा हुआ है। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता तो थोड़ा ज्यादा ही सही डलेगा। कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। इसी में थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, और अब हम इसको बंद कर देंगे। अभी जब मेरे रोल ठंडे होंगे, ये रोल जो है बहुत अच्छे से निकला, देखिए कितना अच्छा निकला है। देखिए देखिए चारों तरफ से कितना अच्छा और कितना सुंदर शेप आया। देखिए देखिए मैंने थोड़ा सा ठंडा होके निकाला, ये ठंडे हो गए ना तो थोड़े से अच्छे हो गए। ये देखिए कितना अच्छे से निकला और कितना सुंदर एकदम। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे, अब हमने जो ये बनाया है ये इसको हम इसको लपेट देंगे अच्छे से। देखिए ये देखिए ये चारों तरफ से हम अच्छे से इसको लपेट देंगे। ये देखिए कितने सुंदर और कितने अच्छे लगे हैं। बस आप एक चीज याद रखिए कि जब ये हमारे ग्लास थोड़े ठंडे हो जाएं तब आप इसको निकालिए, क्योंकि क्या होता है गरम गरम में ना अच्छे से निकलते नहीं है बस। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं। ये देखिए एक कटोरी सूजी में हमारे करीब 8 लोगों का पूरा नाश्ता हो गया अच्छे से। अब मैं इसको शार्प चाकू से अच्छे से काटूंगी। ये मेरा साइड, ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है। देखिए ये तीनों रोल मैंने अच्छे से कर लिए हैं चारों तरफ से। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से चाकू से काटेंगे। थोड़ा चाकू जो है ना हमारा शार्प होना चाहिए थोड़ा। मेरा चाकू तो शायद ज्यादा शार्प नहीं है, पर फिर भी मैं काटती हूँ। ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए कितने सुंदर दिख रहा है। देखिए आप, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे हम अपने सारे काट लेंगे। ये देखिए आपने इडली रोल हमारे कितने अच्छे और कितने टेस्टी बने। देखो देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो लगेंगे अच्छे इडली रोल। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ इसी मटेरियल से हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी बना सकते हैं। खाइए और खिलाइए फटाफट, क्योंकि अब सहन भी हो रहा है कि जल्दी से एकदम मुंह में पानी आ रहा है। देखिए इसको दही की चटनी के साथ खाइए और खिलाइए।